हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट अस कंटिन्यू आवर सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट पार्ट 5। सॉलिड्स में अपन उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं कि सॉलिड्स में हमने जितने भी सॉलिड होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आइडेंटिकल पार्टिकल वाले और दूसरा नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल वाले। तो हेडिंग वही अपनी, स्ट्रक्चर ऑब्लिक पैकिंग ऑफ सॉलिड्स हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसमें हमने 1D, 2D और 3D पैकिंग का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखा था। 3D पैकिंग कितने टाइप की हो गई? ओवरऑल 4 टाइप की। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिक में 3 टाइप की होती है, उसमें से बेस्ट कौन सी होती है? FCC। तो FCC को अपन क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूब में क्लोजेस्ट पैकिंग, बेस्ट पैकिंग, FCC। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट वी टेक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑब्लिक पैकिंग। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला था? एक स्क्वायर 2D के जस्ट ऊपर दूसरा स्क्वायर 2D एग्जैक्टली ऊपर रखते जाएं इस तरह से, तो ये किस टाइप की स्ट्रक्चर जनरेट होगी? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जनरेट होगी। रीजन, बिकॉज इस तरह के अरेंजमेंट में हमें क्या मिलने वाली है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलने वाली है। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये फर्स्ट लेयर होगी, एग्जैक्टली ऊपर उसके सेकेंड लेयर, फिर उससे एग्जैक्टली ऊपर थर्ड लेयर। अगर मैं इस लेयर को ए बोलता हूं अरेंजमेंट को, तो फिर ये भी क्या है? ए ए। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? ए ए ए अरेंजमेंट है। यहां रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखिए, ये रहा ए और ये आर और दूसरा आर, तो डेफिनेटली ए विल बी इक्वल्स टू 2R। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो स्क्वायर 2D में क्या निकल के आ रहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इट मींस ईच पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट पार्टिकल विद इन द लेयर। एक लेयर में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच करता है? 4 को। उसके ऊपर दूसरे लेयर रखेंगे तो एक पार्टिकल फिर टच हो जाएगा, और नीचे एक लेयर आएगी तो एक पार्टिकल वहां से टच हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? 4 इन द लेयर, 1 अबव द लेयर, 1 बिलो द लेयर। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आ रहा है? 6। व्हाट इज जेड? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/8 × 8 = 1। नेक्स्ट वी मूव ऑन पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन डेफिनेशन में ऑलरेडी पता ही होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवेलेबल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इफेक्टिवली कितने पार्टिकल इसमें? 1। तो एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? क्यूब के लिए a³, और a क्या है? 2r। तो 2r का क्यूब कर देंगे, यहां से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और π/6 निकल के आ जाएगा। तो π/6 को सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.52, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 50% ये एक तरह से, तो 50% ऑक्यूपेंसी है और ऑलमोस्ट 50% क्या है? एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया इसमें? 0.48। दिस इज ऑल अबाउट फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी मूव ऑन सेकेंड, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड BCC स्ट्रक्चर। अब BCC स्ट्रक्चर में ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को अगर हम BCC में कन्वर्ट करें, तो BCC में इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सेंटर पे कोई पार्टिकल नहीं होता है, और अगर इसके सेंटर पे सेम साइज का पार्टिकल आ जाए तो अपन इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब सेम साइज का पार्टिकल इसमें फिट करना है तो डेफिनेटली आउटर वॉल्स को क्या होना पड़ेगा? थोड़ा दूर दूर होना पड़ेगा। तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे तो 2D में फिर ये कैसे निकल के आएंगे? ये एक लेयर को अपन ऐसे सोच सकते हैं कि पहले जो पार्टिकल बिल्कुल टच कर रहे थे वो पार्टिकल अब टच नहीं कर रहे होंगे। ये
ये जो स्क्वायर टू डी शीट थी वो कुछ इस तरह की हो चुकी होगी। अब ये पूरी एक लेयर है, से फर्स्ट लेयर, से फर्स्ट लेयर। इस लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर का जो पार्टिकल आएगा ये सेकेंड लेयर, ये भी अपने आप में स्क्वायर शीट ही है और फर्स्ट के एग्जैक्टली सेम ही है लेकिन उसके एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेकेंड लेयर। अब यहां से थर्ड लेयर जो आएगी वो एग्जैक्टली फर्स्ट जैसी हो जाए, मतलब फोर पार्टिकल्स हो गए बॉटम पे और फोर पार्टिकल्स के बाद एक पार्टिकल, यहां देख सकते हैं अपन कि ये ऑरेंज वाले फर्स्ट लेयर होगी जिसको थोड़ा थोड़ा हमें दूर करना पड़ेगा तभी सेम साइज का पार्टिकल फिट होगा इसमें। ये यहां पे अब देखिए इसको, वन टू थ्री फोर, फोर ऑरेंज पार्टिकल बॉटम पे हैं, फोर के एग्जैक्टली ऊपर जो वर्ड बन रही थी उसमें फिफ्थ वाली पार्ट, फिफ्थ वाला पार्टिकल है और उसके बाद एग्जैक्टली फोर पार्टिकल्स ऊपर है, फोर वन फोर। तो सेंटर वाला पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, फोर बिलो द लेयर, फोर अबोव द लेयर, और विद इन द लेयर कितने को टच कर रहा है, जीरो को। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस, फोर बिलो द लेयर, फोर अबोव द लेयर, इट मींस बॉडी सेंटर पार्टिकल टच ऑल एट कॉर्नर पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स। और दूसरी खास बात यह भी निकल के आ रही है, ए नॉट इज इक्वल्स टू टू आर, दैट इज नॉट इक्वल्स टू टू आर। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कैसे फाइंड करेंगे, फिर इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी डायगोनल पे जाना पड़ेगा। ये तो नॉट इक्वल्स टू आर कर देंगे, अब इसका बॉडी डायगोनल पे देखिए, लेट अस कंसीडर बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हुआ, अपोजिट कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो सेंटर वाला पार्टिकल एट कॉर्नर्स को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एट को टच कर रहा है, इट मींस अगर मैं ये एक कॉर्नर लेता हूं, ये सेंटर वाला पार्टिकल हो गया, ये अपोजिट वाला हो गया, सेंटर पार्टिकल टच टू ऑल एट कॉर्नर्स, तो डेफिनेटली ये अपोजिट कॉर्नर्स को भी टच कर रहा होगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्यूब में क्या होता है, रूट थ्री ए, और आर के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ए फोर आर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रूट थ्री ए विल बी इक्वल्स टू फोर आर। तो ध्यान रखना है बीसीसी है, बीसीसी है, इट मींस बॉडी डायगोनल की बात करेंगे, तो बॉडी डायगोनल पे अगर अपन जा रहे हैं तो रूट थ्री ए और कितना आर हो जाएगा, फोर आर हो जाएगा, तो ये परमानेंट हमारे ब्रेन में आ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं पर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज जेड, तो 1 बाई 8 इंटू 8 तो है ही, साथ में एक बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल आ गया तो कितने निकल कर जाएगा, 2। पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, अब 2 टाइम्स ऑफ 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और ए क्यूब, ए क्यूब देखो यहां से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3 डिवाइड हो गए तो 4 आर बाय रूट 3, 4 आर बाय रूट थ्री का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.62, दैट इज 62% ऑक्यूपेंसी यहां पे निकल के आती है। पिछले में कितनी आ रही थी, सॉरी 68 आ रहा है, 0.68, पिछले में कितना आ रहा था 52, अभी कितना आ रहा है 68, तो थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई, बढ़नी भी चाहिए थी बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड में पार्टिकल आ रहा है। और एम्प्टी फ्रैक्शन क्या निकल गया फिर यहाँ पे, 0.32, 32%।
ये होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर सेम साइज का पार्टिकल क्यूब के सेंटर पर रखना है तो फिर क्या होगा, एट कॉर्नर्स को थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ता है। एक्सपेंड हो गए इसका मतलब कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बट सेंटर वाला पार्टिकल जो है वो आठों पार्टिकल्स को टच करेगा। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकल के आएगा भाई, 0+4+4, 8 इन द लेयर। लेयर में कितने को टच करता है, 0 को, यहां से देख सकते हैं अपन, लेयर में पार्टिकल टच नहीं कर रहा। अबो द लेयर एंड बिलो द लेयर, इस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकल के आ रहा है। तो ये सिंपल से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बोल सकते हैं कि बीसीसी क्या होता है, किस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है और कैसे पैकिंग फ्रैक्शन और ये निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मेरे लिए,